शांति, आज की तारीख है 13/6/2023, 13 जून 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ, यह देवी देवता बनने का कॉलेज है, तुम्हें भगवान भगवती बनना है। गृहस्थ व्यवहार संभालो भले ही, लेकिन पढ़ाई का कोर्स उठाओ, बाबा के इस ज्ञान को समझो, ये देवी देवता बनने का कॉलेज है जो स्वयं परमात्मा शिव बाबा के द्वारा ये ज्ञान हम सब बच्चों को सुनाया जा रहा है। तुम्हें भगवान भगवती बनना है, तुम्हें आने वाली सत्युग की दुनिया में देवी देवता बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नॉट पैनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। बच्चों को बर्थ नॉट पैनी से एक छोटे से कितना बड़ा बनाते हैं, अमूल्य बना देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। इसीलिए शिव बाबा की इतनी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाबा आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासीपन से छुड़ाने, इसीलिए गरीब निवास कहकर बाबा की बलिहारी गाते हैं। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है, स्वयं करनी है, बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ, प्रकृति में चमकता हुआ मैं सितारा, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ और रूहानी यात्रा करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस सृष्टि चक्र का ध्यान हमको रखना है और हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल एक शिव बाबा और वर्षे को याद रखना है। अगर सतयुग में हमें वर्षा पाना है, आने वाली सतयुगी दुनिया में स्थान पाना है, तो क्या करना है, इस पुरानी कलयुगी दर्द भरी दुनिया को भूल, जहाँ पर सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को धोखा देते हैं, जहाँ पर कब पता नहीं क्या हो जाए, ऐसी कलयुगी दुनिया को भूल कर हमें आने वाली नई दुनिया को याद रखना है और शिव बाबा को याद रखना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है, नया बाबा का ये ज्ञान स्वयं पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। वरदान है आज की मुरली से, मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव, सेवाधारी अगर सेवा करते तो कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, सेवाधारी अर्थात करण करा बनहार बाबा कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं हम निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं, बाबा ने हमें ये कार्य सौंपा है इसीलिए ये कार्य हम कर पा रहे हैं। तो बाबा को ध्यान रखना है, जहाँ निमित्त भाव है कि बाबा ने हमें सिर्फ चुना है इस कार्य के लिए, तो वहाँ पर निर्माण भाव स्वतः होगा, सभी को मान देने वाले होंगे। निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। अगर मैं निमित्त समझती हूँ अपने को कि बाबा ने हमें इस ज्ञान के लिए चुना है, निर्माण है, तो माया के पांच विकार आपको छू नहीं सकते। मैं पन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बनकर सभी को स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इसका अभ्यास करेंगे चलते फिरते। ज्ञान के सूर्य परमात्मा शिव बाबा की किरणें निरंतर मुझ में समाती जा रही हैं, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे मस्तक की ओर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, भ्रकुटी की ओर, और इसका अभ्यास करेंगे।
एक मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। पवित्रता की अखंड मूर्त, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। पवित्रता का अनंत प्रकाश मुझ आत्मा से मेरे मस्तक से चारों ओर के वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक से निकलते हुए देखें दिव्य किरणों को, पवित्रता का ये नारंगी रंग का प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है। एक एक ग्रंथि ब्रेन की पवित्र हो गई, मेरा एक एक संस्कार पवित्रता से संपन्न हो गया। इस शरीर का एक एक कर्मेंद्री पवित्रता से भरपूर हो गई। प्रकृति के पांचों तत्व दिव्य पवित्रता से भरपूर हो गए। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। शांति।